चलो शुरू करो वो शुरू ही थे उसी एक दूस पहले तू सेंट्री जाओ ना वो एक दूस पहले तू सर खड़े हो पहले बोलो 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 इधर आओ ना बोलो जेड करना जरा इधर आना यार कड़े कटा दो एक दो 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 सर बताएं क्यों आज आप सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या मकसद? हम ये आज इकट्ठे हुए हैं, 23-24 साल हो गए, श्रीमान मान साहब जी ने हमसे कुछ पैसे लिए थे प्लाट के, इंजीनियर कॉलेज के और नागवनी के प्लस चुवादी के, तो आज तक हमें कोई प्लाट नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। 23-24 साल हो गए, मान साहब ना हमें काम करने देते हैं, तो कुछ कम्युनिटी है उधर कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रही है, जब हमारे हिंदू सिख लोग जाते हैं वहाँ हमें कंस्ट्रक्शन नहीं करने देते। हमारी ये मानसाब से अपील है, हमने पिछली संडे को भी ये रिक्वेस्ट की थी मानसाब जी को कि हमें ये प्लाट दें तो हम अपना अपना काम करें, अपना अपना घर बसाएं वहाँ पर, तो आज तक हमें 23-24 साल नहीं मिले। तो हम ये मांग करते हैं CBI से कि ये CBI इंक्वायरी होनी चाहिए, ये हमारे प्लाट के पैसे आज तक कहाँ गए, किसने यूज़ किए, किसने किया, जिसके पास इनलीगल 200-250 प्लाट है वो लोग सामने आने चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी कहाँ से आई है। तो ये मेरी ये सबसे ये रिक्वेस्ट है श्रीमान मानसाहब जी से कि हमें प्लाट दिए जाएं, नहीं तो वरना हमें कोर्ट का दरवाज़ा खटकाना पड़ेगा। LG साहब का हम शुक्रगुजार हैं, LG साहब ने हमें रिटर्न में एप्लीकेशन एक मार्क करके दी थी, डिवीजन कमिश्नर साहब को उन्होंने आश्वासन दिया था कि एक हफ्ते के अंदर अंदर हम जो है कार्रवाई है ये इसको करेंगे, आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर प्लाट मिल जाएंगे, डिवीजन कमिश्नर साहब ने इंश्योर्स किया था। तो कमेटी कोई DC जम्मू है, कोई अखनूर के SDM साहब हैं, कोई उन्होंने बनाई थी कमेटी, आज तक हमें कोई पता नहीं चला कि उस कमेटी का क्या हुआ, गवर्नर साहब ने जो डिवीजन कमिश्नर को कहा था वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आज तक हमारी यह मांग है कि हमें जल्दी से जल्दी प्लाट दिए जाएँ तो ताकि हम अपना बसराना वहाँ पर बसा सकें। थैंक यू, शुक्रिया। देखिए जैसा कि हमारे ये सीनियर साथी बता रहे थे कि पिछले 2 दशक से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं पोजेशन के, 2000 में हमारे से पेमेंट ली गई हमारे फैमिली मेंबर से और कहा गया कि आपके चुवादी में प्लाट हैं, कईयों के इंजीनियरिंग कॉलेज के पास थे और कई नागवनी के पास थे, और तब से लेके आज तक रजिस्ट्री होने के बाद कुछ प्लाट्स के इंतकाल भी हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन ना पैसे भी लिए गए इंतकाल के लिए, इंतकाल नहीं दिए गए, और उसके बाद हमें आज तक पोजेशन नहीं दिया गया। ये सब जानते हैं कि ये इन सब चीज़ों के पीछे कौन है, क्या किसका इनिशिएटिव था वहाँ पे कॉलोनी बनाने का, कि हम सब जानते हैं कि 2000 के वक्त में जब टेररिज्म पीक पे था तब एक इनिशिएटिव लिया गया महापुरुषों द्वारा कि जो हिंदू सिख फैमिलीज़ हैं वो इकट्ठी वहाँ पे रहेंगी, के लिए मतलब लोगों की उस वक्त क्या पे थी, तो अपना जो भी था उन्होंने जोड़ के उन्होंने दिया वहाँ पे कि हमें प्लाट मिल जाएगा, आज नहीं तो कल हमारी जो बच्चे हैं वो वहाँ जाके रहेंगे, या कोई हमें ऐसी परेशानी अगर देखनी भी पड़ी यहाँ से हमें यहाँ से जाना पड़ा तो हम इकट्ठे वहाँ पे रह सकते। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज 20 साल से ज़्यादा का समय हो गया हमें वहाँ पोजीशन नहीं लेने दिया जा रहा, जब हम वहाँ पे हम पोजीशन लेने के लिए जाते हैं वहाँ पे वो जो इनलीगल इनक्रोचमेंट करना चाहते हैं वो तेज धार हथियार से आ जाते हैं, हमें रोका जाता है, और अब हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है कि आप जो अपने प्लाट से हैं वो हमें कम दामों पे बेच दें या फिर उसकी जगह एक्सचेंज करके आपको दूसरी जगह दे दें। मुझे एक चीज़ बताओ, क्या लीगली जगह एक्सचेंज हो सकती है, या कोई किसी का प्लाट आके छीन सकता है या उसको कम दाम के ऊपर बेच सकता है? हम नहीं अपना प्लाट बेचना चाहते, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत, हमारे बुज़ुर्गों की मेहनत है वो हमें मिले। अब इतने 20 साल से हो गया हमें पोजेशन नहीं मिला, रेवन्यू ऑफिशियल्स जो वहाँ पे तहसीलदार बहू हैं, डिव काम हैं, LG एडमिनिस्ट्रेशन पूरा समझती है, अब उधर से LG एडमिनिस्ट्रेशन बड़े बड़े दावे कर रही है कि हम जो है जी इलीगल इनक्रोचमेंट छुड़ा रहे हैं, ना हमारी वहाँ पे स्टेट लैंड है ना कुछ है, सारी कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन
जो ये कुछ लोग यहाँ पे कुछ लोगों की मिली भगत से हमें पोजीशन नहीं मिल रहा है। महापुरुषों से क्या आपकी बात हुई है इस प्लाट को लेकर? देखिए, बार बार हमारे जो ये सीनियर साथी जाते हैं उनके पास गुजारिश करते हैं कि जनाब आपने उस वक्त इनिशिएटिव लिया तो हमें हमारे प्लाट्स का पोजीशन दिलवाओ, लेकिन उन्हें कहते हैं मैं लाचार हूँ। अगर वो लाचार है तो हमें पोजीशन कौन दिलवाएगा आप? लेकिन हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से यही डिमांड है कि अगर जो भी लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और कौन से जो बिल्डर्स हैं वो वहाँ पे आके ये कह रहे हैं कि आपने अपने प्लाट्स जो कम दामों पे बेच दें, लेकिन हम बिल्कुल भी अपने प्लाट्स नहीं देना चाहते हैं। और हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से यही दरख्वास्त है कि जल्दी से जल्दी हमें हमारा पोजीशन दिलवाए। इतनी बड़ी कौन सी आफत है जो हमें पोजीशन वहाँ पर नहीं दिलवाया जा सकता? जहाँ पे हमारे प्लाट्स हैं वहाँ से डिवकाम ऑफिस का रास्ता सिर्फ 5 मिनट का है। क्या डिवकाम साहब वहाँ पे मौके पे तहसीलदार को ले जाके हमें पोजीशन नहीं दिलवा सकते? पूरी कॉलोनी कटी हुई है, प्लाट्स का नंबर लगा हुआ है, सब कुछ है। अगर वो स्टेट लैंड नहीं है, किसी की वो नहीं है, पेमेंट हो चुकी है, रजिस्ट्री हो चुकी है, इंतकाल हो चुका है, फिर पोजीशन क्यों नहीं मिल रहा हमें इस चीज़ का? और हम ये आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को ये हमारी बात पहुँचाएँ कि ये इतनी देर से अगर सरकार जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन दावे कर रही है कि हम इलीगल इंक्रोचमेंट्स है जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है हम उसको हटा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास